भर्रा कुर्सी छोड़ दो, तनखा दे तनखा दे, भर्रा कुर्सी छोड़ दो, अनाज दे अनाज दे अनाज दे अनाज दे, ऐसा किसी में चार दिन है, ऐसा किसी में चार दिन है, तो सारी गेट पक्के करो, छोड़ दो। मैं प्रोविंस का प्रेसिडेंट हूं। आज JKSRTC तमाम जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख तक जितने भी हमारे डिपूज हैं अलग अलग जगहों पे बैठ के आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 घंटे का प्रोटेस्ट हमने यहां भी रखा हुआ है, क्योंकि हमें 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, जो कि हमारे मुलाजम कोविड में काम कर रहे हैं और काम करते थे। आज तक जितना भी काम किया सारा कोविड में किया, बिना किसी झक्के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी लोगों को कोटा से लेके और कहां कहां तक हम गए, और वहां से हमारे ड्राइवरों ने इनको लोगों को लगा के अपने अपने घरों तक पहुंचाया और इतनी मुश्किल में काम किया। लेकिन इसके काम करने के बावजूद हमें पिछले 4 महीनों से सैलरी हमें नहीं मिली है। हम इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सारा मुलाजम जितना भी है SRTC जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख तक जहाँ जहाँ भी हमारे मुलाजम हैं सबके सब इस वक्त प्रोटेस्ट पे हैं। ये हमारा आज का प्रोटेस्ट था कि क्योंकि हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार ने हमारे लिए क्या सुविधा रखी है, क्या हमें काम नहीं किया, या हम बगैर काम के बैठे थे। तमाम डिपार्टमेंटों को सैलरी मिली, तमाम लोगों को जो घरों में बैठे हैं उनको भी सरकार ने पैसा दिया, लेकिन कॉरपोरेशन के जो मुलाजम काम कर रहे हैं और उस राह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ कोविड ही कोविड है, और वो कोविड के लोगों को घर पहुँचाया और उनको कहीं जहाँ भी सेंटर बने हैं वहाँ पर पहुँचाया, और उसके बावजूद ही हमें आज सैलरी नहीं मिल रही 4 महीने से। इसको मद्देनजर रखते हुए हम आज सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ने अगर हमारा 1 महीने के अंदर अंदर ये चारों सैलरियां अगर रिलीज़ नहीं की तो इसके बाद जितना भी नुकसान कॉरपोरेशन का होगा और ये इसकी मैनेजमेंट जिम्मेवार होगी या फिर सरकार होगी जो इस वक्त यहाँ इसको चला रहे हैं। हम तो चाहते हैं इसका वन टाइम सॉल्यूशन, हमें ये बता दे, हमें सैलरी स्क्वेयर करें, हमारी सैलरी हर महीने हमें मिलनी चाहिए और जहाँ हमें काम लेना हमसे काम ले लें, लेकिन हम बगैर अब सैलरी के काम नहीं करेंगे। हमारी यही LG गवर्नर साहब से भी अपील है, इसमें इंटरफेरेंस करें और इंटरफेयर करने के बाद ये हमारा फैसला करें कि इस कॉरपोरेशन को रखना है या इसको बंद करना है। अगर बंद करना है तो इन मुलाजमों को जो हक हकूक है वो इनको दे दिया जाए ताकि ये अपनी अगली ज़िंदगी जो अपने ढंग से बिता सके, अपने अच्छे तरीके के साथ रह सके। नहीं तो इस वक्त जो हालात बने हुए हैं घरों में हर घर में लड़ाई लग चुकी है, फैमिली के रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, जिस घर में 4 महीने से सैलरी नहीं है उसकी हालत क्या होगी यह सब लोग जानते हैं। आपके माध्यम से हम एक बार फिर गवर्नमेंट को आगाह करते हैं और मैनेजमेंट को भी करते हैं कि भाई आप हमारे लिए कुछ सोचिए, इन मुलाजमों के लिए कुछ सोचिए, इन मुलाजमों की सैलरी जो है जल्द से जल्द रिलीज़ करिए।